नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दीक्षित, मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया दोस्तों शानदार एक फल की खेती के बारे में दोस्तों आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आया हूं। तो बने रही दोस्तों आज के हमारे इस पूरे वीडियो के साथ। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आज से आपको मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे सेलर का नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जड़ी बूटियों के या फूलों के या किसी और तरह की भी खेती करते हैं तो उनके बीजों को लेकर के आप परेशान रहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल रखी है, वहां से आप जाकर के जो है वो आप बीज ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जिस भी तरह की आप खेती करना चाहते हैं, चाहे फल की हो, फूलों की हो, या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की हो, या औषधीय पौधों की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे हर एक नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले दोस्तों आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज की दोस्तों हमारी खेती जो है वो बहुत ही खास होने वाली है, एक विशेष प्रकार की दोस्तों मैं फल की आपको खेती बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज या मेल्स आते हैं कि जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो देखिए, अगर आपको दोस्तों खेती से पैसा कमाना है तो थोड़ा अलग तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, थोड़ी दिमाग की आपको दोस्तों जो है वो कसरत आपको करना पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि फॉरेन से नौकरी छोड़कर के आ रहे हैं, नई नई तकनीकों तरह की खेती कर रहे हैं, मेडिकल प्लांट की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए दोस्तों कमा रहे हैं सिर्फ 2-3-4 एकड़ भूमि से। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा उसके लिए। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, जिस खेती के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिस फल के बारे में, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा उस खेती को करने की, अगर आप सालाना कम से कम 50-60 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। और ये फल की खेती जो है वो लगातार 18 सालों तक आपको दोस्तों बराबर फल देती है। ठीक है, और समय भी ज्यादा नहीं लगता है, 1.5-2 साल का समय लगता है, ज्यादा नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि उस फल के पेड़ों को 15 महीने में पूरी तरीके से तैयार होकर आपको एक फसल दोस्तों वो प्रोवाइड करवा दे, यानी कि आपको एक फसल मिल जाएगी महज 15 महीने के अंदर। फिर इसके बाद तो आपको फसल जो है वो मिलती रहेगी। कुछ खास बातें मैं उसके बारे में आपको बताई, तो फिर मैं आपको खेती के बारे में बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा कि मैं कौन सी खेती की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 15-16 महीने का समय लगता है, उससे पहले आपको एक फसल मिल जाएगी। एक पेड़ में तकरीबन 80 से लेकर 100 किलो तक दोस्तों उसमें फल लग जाते। और मार्केट कीमत अगर आप फलों की, जैसे कि हम लोग आम लोग खरीदते हैं 50-60 रुपए किलो के आसपास, अगर आप उसकी मार्केट में होलसेल में कीमत उस फलों की 20 रुपए किलो के हिसाब से भी अगर आप बेचेंगे तो आपकी एक पेड़ से सालाना कमाई तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए की होगी एक पेड़ से। अब आप सोचिए कि आपकी ज्यादा कमाई कैसे होगी, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 1 एकड़ भूमि में आप तकरीबन 1500 पौधे उसके लगा सकते हैं, और 2 एकड़ भूमि में तकरीबन आप 3000 से लेकर 3500 पेड़ आप आसानी से दोस्तों आप लगा सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है दोस्तों, और बहुत से लोगों ने ये अपनाई है, ऑलरेडी लोग पहले से इस हिसाब से दोस्तों काम कर रहे हैं और लाखों रुपए दोस्तों कमा रहे हैं। जैसे आपने कई बार टीवी न्यूज़पेपर देखा हुआ, एक किसान 1 एकड़ भूमि में या 2 एकड़ भूमि में 20 लाख रुपए सालाना, 25 लाख रुपए सालाना कमाता, तो वाकई में सही बात है। थोड़ा आपको हटकर करना पड़ेगा और बड़ा काम आपको करना पड़ेगा। तो आप कम से कम 3-3.5 हजार पौधे 2 एकड़ भूमि में लगा करके इस खेती की दोस्तों शुरुआत कीजिए। और मैं दोस्तों जिस फल की आपको खेती के बारे में बता रहा हूँ वो है दोस्तों पपीता की खेती। काफी अच्छी खेती है, अच्छा प्रॉफिट देती है। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर आपने 3000 पौधे 2 एकड़ भूमि में लगा दिए, एक पेड़ में तकरीबन 80 से 100 किलो तक फल प्राप्त होते हैं, आसानी से हो जाते हैं, इतने तो अमूमन बात है, इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आप होलसेल में 20 रुपए किलो भी, अगर आप 15 रुपए किलो भी बेचते हैं तो 100 किलो फलों की कीमत क्या होगी, तकरीबन 1500 रुपए के आसपास। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए 3000 पौधे में, तो तकरीबन आपकी कमाई हो रही है 45 लाख से लेकर 60-65 लाख रुपए सालाना। अगर आप 3500 पौधे लगाते हैं तो ज्यादा इनकम हो गई, 3000 पौधे मानेंगे चलिए, और एक पेड़ से आपकी 1500 रुपए कमाई हो रही, तो 45 लाख रुपए सालाना आपकी कमाई होगी, वो भी लगातार 18 सालों तक। बहुत ही जबरदस्त और शानदार दोस्तों ये तरीका है पपीता की खेती करने का। अब मैं आपको बता देता हूँ पौधे आपको कैसे लगाना है। पौधे की दूरी, बीज की दूरी जो है वो दो पौधों की, वो आपको 15 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। ये देखिए, इतनी दूरी अगर आप रखेंगे स्केल के बराबर 15 सेंटीमीटर की, तो क्या है उनकी जड़ें जो है वो आपस में जुड़ जाती है, जिसके कारण आपका पेड़ जो है वो मजबूती से खड़ा रहता है और लंबे समय तक आपको दोस्तों फल प्रोवाइड करता है। बीज चाहे बीजों को लगा करके आप खेती कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप पौधों को लगाकर खेती करेंगे तो जल्दी दोस्तों पौधे जो है वो
ग्रोथ होती है उनकी, वो जल्दी दोस्तों वो है वो बड़े हो जाते हैं। बीज लगाकर करेंगे तो आपको 2 साल का समय लगेगा, अगर आप पौधे लगाकर खेती करेंगे तो 15 महीने का दोस्तों आपको समय लगता है, और 15 महीने से पहले पहले यानी कि 12 या 13 महीने में आपको पहली फसल दोस्तों जो है वो पपीता की प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत गजब का तरीका है दोस्तों पपीते की खेती से पैसा कमाने का। अगर आप 45 से 60 लाख रुपए सालाना कमाना चाहते हैं, मैं भगवान कसम आई स्वयं दोस्तों बोल रहा हूँ, अगर आपने 3,000 पौधे लगा दिए तो 50 लाख रुपए आपके सालाना दोस्तों कहीं नहीं गए। बहुत ही गजब की खेती है दोस्तों पपीता की, हमेशा डिमांड में रहती है, काफी ज्यादा विटामिन से भरपूर रहता है और फलों में दोस्तों इसका काफी अच्छा नाम है और बहुत लोग इसको खाना ही पसंद करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया खेती दोस्तों पपीते की खेती अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आप 50 से 60 लाख रुपए सालाना कमाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, नमस्कार, जय श्री राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।